भड़वा, मुल्ला, ओ मुल्ले, ओ उग्रवादी, ओ आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने किया है वो बेहद निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति की जगह कम से कम संसद के अंदर तो नहीं है, वो लोकतंत्र का मंदिर जहां पर हम उम्मीद करते हैं 140 करोड़ लोगों की बात होती है, उसके मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे की बात होती है, वहां पर ऐसा व्यक्ति जो सड़क छाप बातें करता है, जो सड़क एक गुंडा है, एक गुंडे की तरह वो बिहेव कर रहा था। देखिए, किसी भी पार्टी के का सांसद हो, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, देखिए जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो देखिए संसदीय शब्द नहीं है। और निंदा करती हूँ ऐसे जिस तरीके से उन्होंने बीच भाषण के अंदर जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, बेहद शर्मनाक है। देश तो शर्मसार हुआ ही है, लेकिन जिस तरीके से अब इन भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर होने लगा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से संसद के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सड़क छाप भाषा अब संसद में भी इस्तेमाल होने लगा है, सांसद द्वारा दूसरे सांसद को आतंकवादी कह रहा। अब ये बताइए, अगर वो आतंकवादी है कुंवर दानिश, जो मुस्लिम लीडर है कुंवर दानिश, उसको अगर आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहा है, सवाल ये भी पैदा देखिए होगा। देखिए ये तो भाजपा का आप चरित्र जो है 2014 के बाद तो से देखते रहे हैं। और देखिए ये वो सांसद हैं जिसके जिनके प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा भी मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से नक्सल और अर्बन बताया गया है, उन्होंने मंच में रैली के दौरान उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, कांग्रेसियों को कोसा है, 40 से 44 बार कांग्रेस का के लोगों को कोसा है। तो देखिए ये उस पार्टी से आते हैं जहां पर इस तरीके की भाषा बोलना, और चाहे ये तमाम जो दल हैं, दल के आपने उनकी भाषा देखी होगी, बजरंग दल हो, गौरक्ष दल हो, आरएसएस हो, ये उनका चरित्र है, उनकी भाषा है। देखिए अगर यही जो रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अगर यही शब्द हम उल्टा कर देते हैं, अगर यही शब्द किसी मुसलमान ने कहे होते, किसी मुस्लिम सांसद ने कहे होते, तो फिर क्या होता, किस तरीके से मातम छाया होता और किस तरीके से उसको अभी तक तो कार्यवाही भी हो चुकी होती, उनको निलंबित किया जा चुका होता। आपको याद होगा कि मणिपुर के मुद्दे पर राघव चड्ढा ने, वो भी सांसद हैं, संसद के अंदर जब मणिपुर की आवाज उठाई थी तो किस तरीके से उनको निलंबित किया था। संजय सिंह सांसद हैं, उनको भी किस तरीके से निलंबित किया था सब जानते हैं। लेकिन इस तरीके की भाषा किसी सांसद के लिए, अपने साथी सांसद के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होती है। अभी तक कोई दूसरा मुस्लिम सांसद होता और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता तो अभी तक तो उसका निलंबन और संसद उसको दोबारा से कभी राज्यसभा के अंदर दोबारा से उसको उसके एंट्री बैन हो जाती और उसको ये कह दिया जाता कि जिंदगी भर आजीवन वो संसद के अंदर नहीं आ सकता। इस तरीके का देखिए चरित्र भाजपा का रहा है, और भाजपा के सांसदों के बिगड़े बोल तो हम अक्सर सुनते रहे। और देखिए ये तो चरित्र की बात जब हो रही है तो ये तो भाषा है। देखिए चरित्र की बात करें, बृजभूषण शरण सिंह, आप उसको आपने देखा कि किस तरीके से देश की बेटियां जंतर मंत्र पर न्याय मांगती रही और न्याय नहीं मिला। और देखिए हम नहीं भूले अनुराग ठाकुर, देखिए ये पदोन्नति कैसे होती, गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, ये शब्द कौन बोलता है, और फिर उसके बाद किस तरीके से उनकी पदोन्नति होती है देश जानता है। देखिए कपिल वर्मा आप उनको जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने भी इन शब्दों का प्रयोग किया कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। देखिए ये तो चरित्र है और देश जानता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने पर भाजपा के अंदर पदोन्नति होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है इस तरीके से कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर हुआ है। अभी तक तो बाहर इस तरीके कटुआ, मुल्ला, भड़वा, जो ये शब्द है भड़वा शब्द जो बोला गया है रमेश बिधूड़ी द्वारा, ये भड़वा शब्द होता क्या है, देखिए माफ कीजिएगा सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन ये शब्द क्या है, ये आपने सुना होगा अक्सर जो वैश्यवृत्ति का जो ये धंधा है, इसके अंदर जब हम मीडिएटर का जो काम जो आदमी करता है उसको हम इन शब्दों से नवाजते हैं, तो क्या जो दानिश अली के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना ठीक है? उसके बाद रमेश बिधूड़ी के समर्थन में हैशटैग चलते हैं और रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद ट्रेंडिंग करता है, तो यानी कि आप समझ जाइए। और देखिए यहाँ पर ये बात ये है कि हमारा ही कत्ल होगा और हम ही को कातिल ठहराया जाएगा, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी गाली गलौज करते हैं संसद के अंदर, आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, भड़वा, मुल्ला, कठुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद दानिश अली को
दानिश अली को ये कहा जाता है कि देखिए इनके उकसाने पर, उनके उकसाने पर उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि सारी गलतियों का ठीकरा जो है दानिश अली के ऊपर फोड़ दिया गया। मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी जब दानिश अली से मिलने पहुंचे तो फिर उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहते हैं, कहते हैं कि इतना सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कांग्रेस में शामिल होने के लिए। मुझे आश्चर्य होता है कि यहां पर रमेश बिदुड़ी जैसे सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दानिश अली की आत्मा जो है वो रमेश बिदुड़ी के अंदर, उनके बोल जो है वो रमेश बिदुड़ी बोल रहे थे। अगर शामिल हो, अगर दानिश अली को होना था तो ये बोल रमेश बिदुड़ी के मुंह से कैसे निकल रहे थे, यानी रमेश बिदुड़ी के साथ मिलकर दानिश अली ने ये पूरा गेम खेला। यानी दानिश अली और मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अली और रमेश बिदुड़ी दोनों ही क्या कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं? तो इस बात से तो यही निकलता है कि आप जिस तरीके से ये एलिगेशन लगा रहे हैं दानिश अली पर कि आप वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने ये जिस तरीके से गेम खेला, ये सब नाटक और ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, तो ये शब्द तो दानिश अली के नहीं थे, ये तो रमेश बिदुड़ी के थे। तो क्या रमेश बिदुड़ी के साथ मिलकर के ये गेम खेला गया? तो देखिए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है ये देख करके कि आज चाहे आप इस देश के अंदर कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कहिए, यहाँ पर अगर आप भाजपा से हैं तो किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये तो हमने दिनों देखा है कि आपका भाजपा का कार्यकर्ता होना जरूरी है, भाजपा के किसी दल में होना जरूरी है, भाजपा का कोई मंत्री होना जरूरी है। बृजभूषण शरण सिंह मामला पेंडिंग है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट के अंदर बृजभूषण शरण सिंह को अय्याश तक बता दिया है, लेकिन यहाँ पर भाजपा के तमाम जो मंत्री हैं बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नजर आ रहे थे, पूरा शस्त्र और पूरा तंत्र लगा दिया था किसके फेवर में, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में। चिन्मयानंद जैसे कठुआ हाथरस जैसी घटनाएं हम भूले नहीं है। तो देखिए ये चरित्र है भाजपा का कि किस तरीके के चरित्र के की और किस तरीके की मानसिकता के लोग भाजपा के अंदर शामिल है, हम सब जानते हैं। मैडम जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई संसद में, जिस तरीके का जो घमासान मचा, जिस तरीके गालियों का प्रयोग किया गया, कठुआ मुल्ला आतंकवादी तक कह दिया गया, वो वीडियो आपकी नजरों से भी गुजरी होगी और करोड़ों मुसलमानों का भावना भी आहत हुआ है, तो वो वीडियो जब आपकी नजरों से गुजरी तो आपको कैसा लगा? देखिए जब ये शब्द बोले गए तो पहले ही अफसोस हुआ कि ये शब्द कम से कम संसद के अंदर, क्योंकि अभी तक ये शब्द बाहर बोले जाते थे, लिंचिंग मुसलमानों की बाहर होती थी, कटुआ मुल्ला बाहर बोला जाता था। और मैंने पहले भी कहा और अब फिर से कहूंगी कि आतंकवादी शब्द के साथ तो हम हर रोज जीते हैं, हर रोज हम इस शब्द का, और हर रोज हमें अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए हर रोज अपने किसी भाई की, अपने किसी बहन की, अपने किसी अपने की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं कि इन शब्दों के साथ हम हर रोज जीते और मरते हैं। रही बात कि मुझे कैसा लगा व्यक्तिगत तौर पर भी और वैसे भी, कि अगर मैं मुसलमान नहीं भी होती तब भी मुझे ये शब्द जो है, ये शब्द हर किसी के लिए भी, क्योंकि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी सही नहीं हो सकता। और जब ये शब्द सुने मैंने तो मुझे लगा कि ये शब्द दानिश अली को नहीं बोले गए, ये मुसलमान के, यहाँ 20 करोड़ मुसलमान को बोला गया है कठुआ मुल्ला, क्योंकि ये वो संसद है जहां पर मुद्दों की बात होती है, देश के लोगों की बात होती है, प्रतिनिधित्व होता है देश के 140 करोड़ लोगों का। तो ये हमारे आपके सबकी बात है, यहां पर सिर्फ एक समुदाय को देख करके कि एक समुदाय को कटुआ और भड़वा बोला, इसीलिए रमेश बिदुड़ी जिंदाबाद का ट्रेंडिंग चल रहा है, हैशटैग चल रहा है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों के लिए। पूरा आईटी सेल भाजपा का रमेश बिदुड़ी के पक्ष में खड़ा है और पूरा मंत्रिमंडल रमेश बिदुड़ी के पक्ष में खड़ा है, लेटर लिखे जा रहे हैं और जिस तरीके से ओम बिरला जी को पत्र दिए गए, किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा, कि ये तो उकसाने पर रमेश बिदुड़ी ने बोला, शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस तरीके के शब्द आज, मैं ये कहती हूँ कि अगर आज किसी सांसद को, किसी मुसलमान सांसद को कटवा बड़वा मुल्ला उग्रवादी आतंकवादी कहा जा सकता है, तो जरा सोच के देखिए, माँ बहन की गाली देने में कोई देर नहीं लगेगी जब एक दूसरे को कोई माँ की गाली से, कोई बहन की गाली से, कोई किसी का बेटी की गाली से, इस गाली से बुलाएगा, कोई किसी का नाम लेने की जरूरत ना ही इज्जत देने की जरूरत है, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का लिहाज नहीं करेंगे। तो सोच के देखिए कि जिस तरीके से एक सांसद को आतंकवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, तो इसमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी किसी भी सांसद को, मैं कहती हूँ मुसलमान हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आज ये किसी मुस्लिम सांसद को आतंकवादी उग्रवादी कहा है, किसी हिंदू सांसद को या किसी और सांसद को माँ और बहन की गाली भी अगर ये देंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं होगा, इसमें तो कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन एक पढ़े लिखे इंसान है,
वो इस पूरे मामले का निंदा भी करते हैं, लेकिन वहीं पर वीडियो में वो कहकहा लगाते हुए हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो इन मामलों में क्या देखते हैं, एक तरफ तो वो निंदा कर रहे हैं, ऊपर से जब ये रमेश भिदौड़ी कठुआ मुल्ला कह रहे थे उस वक्त वो हंस रहे थे हंसते हुए, तो उनकी जो है पूरी पिक्चर कैद है कैमरे में। देखिए आपने अच्छी बात कही कि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जिस तरीके से पीछे बैठ करके कहकहे लगा रहे थे, हंस रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से आपका एक साथी दूसरे आपके साथी को फर्क नहीं पड़ता, आप छोड़ दीजिए कि वो किस पार्टी का सांसद है, वो किस पार्टी का, हम एक जगह जब बैठते हैं तो कुलीग बनकर काम करते हैं, तो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब आपका एक साथी खड़ा होकर किसी को इस तरीके से गाली गलौज करे और आप उस पर हंसते हैं, आप उस पर हंसी ठिठोली करते हैं, शर्म नहीं आती है आपको? आपको देश की जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे, शर्म आनी चाहिए। ये 140 करोड़ का देश है और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से किसी को गाली गलौज करके, किसी को माँ बहन की गाली दे करके, किसी को कटुआ मुल्ला कहकर, किसी को आतंकवादी से कह करके, आपको अगर ये लगता है कि आप इस 2024 को जीतेंगे और 2024 आप जीत जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, देश की जनता सब देख रही है। और देखिए जिस तरीके से आपने संसद के अंदर संसद की गरिमा को ना रखते हुए, और देखिए ओम बिरला जी से भी हम लोगों की यही हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो न्याय करेंगे, वो कम से कम ऐसे सांसद जो सड़क छाप बातें करता है, जो गुंडागर्दी करता है संसद के अंदर, जिस तरीके से वो छिचोरा बन कर रहा था संसद के अंदर, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे जो सांसद कहलाने लायक नहीं है उसको कम से कम संसद से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, बेहद नाउम्मीदी हुई है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अभी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को कम से कम संसद के अंदर, संसद से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी एमआईएम के जो मुखिया है अवैसी साहब की एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो वीडियो काफी जो है लोग उस वीडियो का निंदा भी कर रहे हैं और वो वीडियो काफी विवाद पैदा कर रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा कि कह रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग अब जो है संसद में भी होगी, तो इस तरीके का अभी जो जिस तरीके का माहौल है ऐसा स्टेटमेंट अवैसी साहब का आता है, तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रही हैं? देखिए जो अवैसी साहब का जो स्टेटमेंट है वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जिस तरीके से कुंवर दानिश अली के साथ जो हुआ वो वाकई बेहद शर्मनाक है, और जो उनका बयान था कि अब अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो मैं हो सकता है मैं अपनी सदस्यता भी छोड़ दूं, तो उसके बारे में भी वो विचार करेंगे, वो उनका बयान था। देखिए ये लड़ाई लंबी है और ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, जिस तरीके से धर्म का अफीम चटा करके लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो जाहिर है कि संसद के अंदर, संसद से ही नहीं, क्योंकि हम तो देखते रहे अक्सर जिस तरीके से संसद सड़क से लेकर के संसद तक हमारे सांसदों का निलंबन होता रहा है, जनता के मुद्दे उठाने पर, आम मुद्दे उठाने पर, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने पर हमारे सांसदों का निलंबन होता रहा है, तो देखिए ये तो बात साफ है कि देखिए अभी तक तो निलंबन होता था, अब तो गाली गलौज पर उतर आए, और आने वाला वक्त दूर नहीं है कि मार पिटाई पर, और फिर ये कहेंगे कि देखिए लिंचिंग हो गई, और ये तो देखिए जिस तरीके से अब जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तो लिंचिंग पर भी कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो देखिए ये बहुत डरावना है देश के लिए भी, और जिस तरीके से नई संसद में नए भारत की बात देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कि अब हमें रोना धोना छोड़ करके हमें देश के बारे में सोचना चाहिए और देश को आगे तरक्की की राह दिखानी चाहिए, देखिए आज वो कहाँ गया, नए भारत के अंदर अमृतकाल की हम बात करते हैं और 9 साल बेमिसाल की जहाँ पर बात कर रहे थे मोदी जी, लेकिन आज जब उनके सांसद की बात है तो वो पूरा मंत्रिमंडल उनके पक्ष में खड़ा नजर आया, और फिर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी की खुद की जिस तरीके से बिगड़े बोल नजर आए, तो देखिए ये साफ है कि किस किस पार्टी से आते हैं रमेश भिदौड़ी और कैसा चरित्र है इस पार्टी का, तो देखिए ये तो जरूरी था कि इस तरीके के बोल निकलने थे, लेकिन बेहद शर्मनाक बात है।